जो है लोड करके वापस आबादी पहुंच जाएंगे। व्यूअर्स ये देख सकते हैं डेजर्ट के अंदर खूबसूरत घर बना हुआ है। ये दूध वाली गाड़ी हुई है लेने के लिए। कितना दूध होगा भैया? ये तकरीबन 18 किलो। 18 किलो सही है। ये आप अंदर का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही कमाल। ये जी आप नज़ारा कर सकते हैं रोही चोलिस्तान। ठीक है, तो ये इस टाइम जो है ना जानवर वापस आ जाते हैं और नाइट के टाइम में चरने के लिए जाते हैं। ये भाई जो है ना अपनी मदद आपके तहत शेव कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से है कि जंगल में जो है ना इनके पास कोई नई वगैरह तो नहीं आता शहर से, लेकिन ये अपनी मदद आपके तहत ही खुद काम करते हैं। भाईजन क्या हाल है तेरा? ठीक सुना तबीयत से? ठीक है सी, अल्हम्दुलिल्लाह। किने गुजर बसर थी ना पेसी तोरा इथा? बस शुक्र है मालिक दा सी। पानी दी क्या पोजीशन है लाला? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है हालात से। चोखा पानी बचाओ दे टोबेन सिंह बा को वदे थोड़ा बहुत कणका ता के में देखवे सु काम। आ यार आ जल्दीया माल उठावणे हेलो आज सोना पानी मोके टोबे दा वाह जी टोबे ते वेने पे माल को वाल इकट्ठा करेने पे डाडा छड़े मुने ने पे भी माता आबादी पोजी वणु। वाह भाई वाह जबरदस्त। लोग को पता लगे भी बंदे रोई दे की हो समय। सही गाल है। ई ता गजन जड़ बूल बंदे वदे। ये देखो सी एक हाथ बंदे वास्ता रोकता नहीं सही, ये काम करन शे वाला ते, लेकिन ये भाई ये जड़ा ना दी हेल्प करेंदा पे। माशाल्लाह एक दूजे सी हेल्प करन वाली सारी गाल बनदी है, ता भाई कोशिश करेंदा पे सी। मुंह छोटा होला इने गुजारा थी ना पे सही था रोहित बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह। अच्छा कितना अरसा थी के बारिश कह रही बेटा देखा रोहित बेच? बारिश को बहुत अरसा थी गया ट्राई मिलती है। अच्छा हुन बदल वगैरह बन दे ता पेन अल्लाह खैर करे अल्लाह देवे सही पेन के अल्लाह देगी कोई दे देवे ता। बिल्कुल। क्या नाम है तोरा जरा? लोटी। कौन थी रे जरा? कुरैशी। सही है। पिछू किताब ले रिया छे? पिछू रे छे अपनी प्यार जी हे तू जा पक्के अपन बणी होई ब्याह ने जा करू नी। अच्छा अच्छा सही है सही। ए वाल क्या है वंडा देने पे गांव को क्या से? अच्छा ये वंडे तो बगैर क्या नहीं मिलती? ना ना बच्ची नहीं बच्ची छोड़ी खड़ी है। अच्छा या हमारे कितने कहीं वासे बड़े बैठे हुए ये कितने कहीं वासे मां बड़े बैठे हुए वंडा पास त्रय गाइन ये त्रय गाइन। अच्छा ये सारे कहीं कुरे में आपोंदे या जेड़ा हिल क्या होने नहीं कुरे मिले ना जा या या उन्होंने सारे देना पड़े। अच्छा या सही है। इतना घर में तोरा किने गुजर बसर थी ने मम घर में आबादी वाले दो आबादी वे। अच्छा घर में आबादी चले वे देवे सरदिया सरदिया थी रांदे वाले आबादी चले वे देवे सावण भी आए। अच्छा वाला आबादी रहेगी। अच्छा बात भूख लगी है यहां का ये क्या पानी का सुना मंजी कह रही है आज 2 किलो दूध है तो हमें जो है ना हमारे घर का सामान जो है लोड करके वापस आबादी पहुंचाएं क्योंकि यहाँ पे पानी बिल्कुल खत्म होने वाला है। हम आज कितना खीर दे अम्मा? 2 किलो थे। सही आबादी तो तैयार हैं लगते हैं पानी का हालात क्या नहीं? चलो अल्लाह खैर करे। रोही चोलिस्तान के अंदर पानी का काफी मसले मसायल होने ही वजह तो जड़ा ना घड़िया दूर दराज तो टोबा जात तो पानी भरते आने देखते पे इन्हों का गुजर बसर ए इन्हों का चूल्हा वगैरह किचन तक नहीं रख सकते किचन तो शहर के देहात का चूल्हा है वे ये तुसा देखते पे इन्हों का घर और इन्हों की जरूरियात जिंदगी का सामान वगैरह तो इन्हों का जड़ा ना ये वे कमरा तुसा देखते पे वे सही बहुत ही प्यारा खूबसूरत इन्हें अंदर बारिश बिल्कुल भी नहीं आ सकती क्योंकि इन हिसाब किताब का इन्हें बनाया होंगे तो अंदर का व्यू तुसा देख सकते वे सही बहुत ही कमाली जगह ते ए इन्हां दा जड़ा ना मेहमान खाना क्यों है तू? रोही चोलिस्तान के अंदर दूध की गाड़ी आती है दूध लेने के लिए तो ये जो लोग हैं यहाँ से अपना जो गुजर बसर है दूध के ऊपर है इनका मिल्क सेल करते हैं। ये जो दूध वाली गाड़ी हुई हुई है इन्होंने ज़रूरत ज़िंदगी का सामान जो है ना ये लोग लिखवाते हैं कि हमारे लिए लेके आना तो भाई अभी जो है ना उनके घर तक पहुँचा रहा है क्योंकि डेजर्ट में जो है ना डेली का आना जाना बहुत ही मुश्किल होता है इन लोगों के लिए
तो ये जो है ना, ये दूध वाली गाड़ी आती है तो उसको ये कह देते हैं कि हमारे लिए सामान लेके आना, तो वो लेके आते हैं और उनके घर पहुंचा देते हैं। यार तुम्हारी मर्जी, देखो कितना सामान आ गया, कितना कहना सुना सारा वाल सुना। ऐसी चाय को कितनी देर लग वैसे सुना? आधे मिनट लग से। भाईजन तुसा देखते पे रोहित चोलिस्तान के अंदर ताज़ा ते गाढ़ा खीर इन पानी मिक्स कैनी किया गया, क्योंकि इतना जानवर इन माशाल्लाह ठीक है, तो ही वास्ते जड़ा ना ये जड़ी भी चाय चाय वगैरह बने तो खालिस खीर दी होंगी, इन्हों को पानी मिक्स करने की जरूरत भी कहनी पौंदी। कितना सफर है टोबा? वाह जी वाह, बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। त्रै बंदे त्रै कैन चाती वे फोलन सी पानी जी गुत्ती मारी वे या फोलन? चलो अस मल चेक कराओ सब फोलन तो सारे ढक्कन खोल दिखाओ अस वाकई फोलन थक गए लगते हैं। सही वाह जी वाह, जबरदस्त यार, ये तुम्हारा कमाल सीन है लाला। अच्छा ठीक है जी, जबरदस्त है। ऐसी सारा देर का पानी तुम्हारे में लग गया है? जी सही दिया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, केवल कम वगैरह तकसीम कर किंदो से भी तुसा ये करने हार सारे बिरा राल मिलते करे ने। अच्छा हुन इन हांदी में पानी है जी में कि इना चाय बनाई है तुसा वाल शाम को रोटी पके सो लगदे में ना से। वही चोलिस्तान के अंदर इस तरह से टोबजात बनाए गए हैं ताकि इसके अंदर पानी स्टोरेज किया जाए और जानवर वगैरह आसानी से पी सके। व्यूअर्स मेरा ख्याल में टोबे के जो साइडों पे लगी हुई बाड़ है आपने पहले कहीं नहीं देखी होगी, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह मेन ये है कि जब टोबे के अंदर पानी कम पड़ जाता है बिल्कुल थोड़ा सा, तो ये जो है ना जानवरों को एक साइड से ना पानी पिलाने के लिए ये माहौल करते हैं इस तरह कि जानवर सारे जैसे अंदर आएंगे तो पानी ख़राब होगा। तो इसीलिए इन्होंने ये एक तो बाड़ लगाई हुई है साइडों पे कि ताकि जानवर बाहर से इस टोबे के अंदर ना आए और पानी को ख़राब ना करो, और दूसरी तरफ इन्होंने ये बनाई हुई है खालनुमा कि यहाँ से थोड़ा सा काट के इसको पानी इधर करेंगे या जानवर इधर ही खड़ा होकर उधर से पानी आसानी से पी सकता है। यहाँ पर जानवर खड़े होते हैं और वहाँ से पानी पीते हैं। छोड़ी गोट गोट गोट।